अच्छा जी, देखिए आज हम ये काम करेंगे पेज नंबर 16। ठीक है, सबसे पहले पेज नंबर 16 निकालें। इसको जूम करो थोड़ा। पेज नंबर 16, ठीक है ना। सबसे पहले डेट राइट करेंगे। डेट है 27। ये देखिए इस तरह आपने लिखना। अच्छा, 20, ये पहले 2 लिखना है, उसके बाद 7, 27। और क्या मंथ है? एट। ठीक है, और फिर है 2020। सिंपल, ठीक है ना। डेट राइट करें, शाबाश। हो गया, डेट राइट कर ली है ना। अब है, ये क्यों ब्लर आ रहा है? हमारे पास कलर्स हैं, सारा ढूंढ के लाऊं कहीं। अच्छा, सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें और खाली जगह पुर करें। ठीक है, यहाँ पर है, ये चैप्टर हमने पढ़ा हुआ था, ये चैप्टर हमने 2 दिन में पढ़ा, आपको याद है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर था। सही, तो इसमें मैंने आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बातें बताई थी कि उनमें क्या, उनकी आदत कैसी थी। ठीक है, उनकी आदतें जो हैं वो कैसी थी और वो क्या करते थे, वो बचपन से कैसे थे। फिर हमने पढ़ा कि उनके वालदा का क्या नाम था और उनकी वालदा का कब इंतकाल हुआ था, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। ठीक है ना, तो सबसे पहले है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के देश नबी हैं, पहले नबी है कि आखिरी नबी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सबसे आखिरी नबी है। ठीक है, तो आप लोगों ने ब्लैंक में लिखना नहीं है, अच्छा, क्योंकि ऐसे आपकी बुक गंदी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, उस पर आप लोग टिक लगाएं, और अगर आपको, अगर आपकी राइटिंग प्यारी है, ठीक है, तो फिर लिख भी लें। सही, मैं दोनों यहाँ पर करवाऊँगी, टिक भी लगाऊँगी और यहाँ पर लिखवाऊँगी भी। आप लोग भी अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है आखिरी नबी। ठीक है, आखिरी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। फिर नेक्स्ट है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा था? आप सल्लम के दादा ने, क्योंकि जब आप सल्लम की अम्मी वफात पा गई तो उसके बाद वो अपने दादा के पास थे। ठीक है, और जब फिर आपके दादा अबू वफात पा गए तो फिर उसके बाद वो चचा के पास आ गए थे। तो सबसे पहले तो वो दादा के पास है ना, तो यहाँ पर दादा ने उनका नाम मोहम्मद रखा था। ठीक है, दाल अलिफ, दाल अलिफ, दादा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जीम वाला, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से देश ही वफात पा चुके थे। से देश, पहले या बाद वफात पा चुके थे। मैंने आपको बताया था ना कि आप सल्लम पैदा भी नहीं हुए थे। ठीक है, कि आप सल्लम के अब्बू जो थे तो वो इस दुनिया से चले गए थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जो है, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले, पहले यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, पहले, पहले ही वफात पा चुके थे। ठीक है, अच्छा जी, फिर नेक्स्ट है हज़रत हलीमा सईदा ने डेढ़ बरस तक आप सल्लम की परवरिश की, 4 साल या 5 साल, हमने पढ़ा था ना, कितने साल आप सल्लम की परवरिश की थी उन्होंने? 5 साल। ठीक है,
ये यहाँ पर देखिए, ये आप देख सकते हैं हज़रत हलीमा सईदा ने 5 बरस तक, देखिए यहाँ पर बुक में है ना, 5 बरस तक, बरस मतलब 5 साल तक, तो यहाँ पर क्या आएगा 5। पाँच बरस तक आप सल्लम की परवरिश की, सही। अब है ये देखें, फिलिंग द ब्लैंक्स आ गए हैं, ठीक है। अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। अभी हम फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स में है पहला वाला, देखें, वालिद का नाम क्या था, वालिद का नाम था हज़रत अब्दुल्ला। मैंने आपको बताया था ना हज़रत अब्दुल्ला आप सल्लम के वाले, तो ये जो है ना फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ आपने मैच करना है। अच्छा, हज़रत अब्दुल्ला, ये देखें लास्ट वाले के साथ आप सल्लम, वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला। फिर है वालिदा का नाम, वालिदा का नाम क्या था, ये देखें हज़रत आमिना। सेकंड को आपने मैच करना है फर्स्ट वाले के साथ, ठीक है। ये देखें, वालिदा का नाम हज़रत आमिना था, ठीक है, हज़रत आमिना। फिर है उम्र 6 साल थी के कौन वफ़ात पा गए थे, उम्र जब आप सल्लम की 6 साल थी तो आप सल्लम के दादा वफ़ात पा गए थे, ठीक है, सॉरी आप सल्लम की अम्मी जो थी तो वो वफ़ात पा गई थी जब 6 साल के थे, क्योंकि पहले उनकी अम्मी की डेथ हुई थी, ठीक है, पहले उनकी अम्मी जो थी तो वो वफ़ात पा गई थी, फिर उसके बाद उनके दादा जो थे तो वो वफ़ात पा गए थे, ठीक है। तो जब उम्र 6 साल थी तो कौन पहले वफ़ात पा गए थे, जब उनकी उम्र कम थी तो उनकी जो अम्मी थी, ठीक है, वालदा की वफ़ात 6 साल के उम्र में। थर्ड को आपने मैच करना है सेकंड से, समझ आ गई है। फिर है उम्र 8 साल, जब उम्र 8 साल की थी तो फिर किसकी वफ़ात हो गई, कौन वफ़ात पा गए थे, जो आप सल्लम के दादा थे, ठीक है। लास्ट को थर्ड के साथ मैच करना है, सही। शाबाश, ये करे बेटा। पेज नंबर 16 है बेटा, पेज नंबर 16 देखें आप लोग, 1616, ठीक है। हो गया ये, कर लिया। अभी हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर हम सबसे पहले डेट राइट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है पेज नंबर, पेज नंबर 17 अभी हम करेंगे, ठीक है। ओके, गुड हादी, गुड सकीना, वेरी गुड, ठीक है। अभी हम यहाँ पर डेट लिखेंगे, डेट राइट करेंगे। डेट क्या है आज, 27, ठीक है। एट मंथ है और 2020, इस पे हम सिंपल कलर्स करेंगे। अच्छा दी, देखें यहाँ पर, खैर आप
जो भी कलर आप चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर है क्वेश्चन, सवाल है, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बहुत अच्छे अखलाक के मालिक थे, नीचे हर पूल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छे अखलाक के मालिक थे, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, तो ये उनमें ये बातें थी, ठीक है। फिर उसके बाद है, आप अपना जायज़ा लें और द जज़ेल में से जो अच्छी आदात आप में है उनको रंग से नुमाया करें। रंग से नुमाया करें यानी कि उस पर आप कलर करें उस फ्लावर में, ठीक है। जो आपके पास ये जो आदत है ना, अगर आप में ये आदतें हैं तो आप उसको कलर करें, अगर नहीं है ना तो उन्होंने कलर नहीं करना, ठीक है ना। अगर आप अच्छा, सबसे पहले है दूसरों का एहतराम करना, यानी दूसरों की इज्जत करना, उनकी बात मानना, इसको जूम करो, उनकी बात मानना, ठीक है। तो अगर आप में ये है तो अब हम इसको कलर करेंगे, ठीक है। शाबाश, मुझ में तो है, मैं तो कलर करूँगी इसको, ठीक है ना। शाबाश, इसको कलर करें, प्यारा प्यारा कलर करना है, अच्छा। और कलर जो है वो आपके लाइन से बाहर ना हो, अच्छा। और अगर हो भी जाए ना कलर बाहर, तो खैर आप इरेज कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है उसमें। और दूसरी बात ये कि प्यारा प्यारा कलर करना है, ठीक है, खूबसूरत सा, सही। अच्छा, जो मैंने आपसे एक और बात करनी थी क्लास, अगर जो रह जाए ना, कलर अभी हम कर रहे हैं, इसमें अगर रह भी जाए, ठीक है, तो फिर आप उसको घर में भी कर सकते हो, ठीक है, तो कोई ऐसा मसला बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा। अगर क्लास ओवर हो जाए तो आप वो ख़ुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। चले जी, मेरा तो डन हो गया, आपका हो गया कि नहीं? जी बेटा, फ्लावर में करने, हो गया कलर, वेरी गुड फसीहा, एक्सेलेंट। अच्छा, नेक्स्ट है ब्लू कलर नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है, कभी किसी का दिल ना दुखाते, ठीक है, यानी किसी का दिल ना दुखाते, किसी को खफा ना करते, तो आप में आदत है, अगर है तो इसमें कलर कर लें, ठीक है। येलो कलर है इसमें कि नहीं, क्या कलर चाहिए? प्यारा प्यारा कलर करना है, अच्छा। बुक के पेज को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना और इतना डार्क नहीं करना कि आपके जो लिखाई है इसमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो नज़र ही ना आए, ठीक है। तो इतना डार्क कलर आपने नहीं करना, समझ आ गई है? हल्का हल्का कलर करना है, अच्छा। डन, ओके जी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, अपना काम खुद करते हैं, ठीक है। अपना चैट ओपन करो, ग्रीन कलर करो,
आप अपना काम खुद करते हैं, मुझे तो नहीं लगता। आप तो अपना काम जो है तो वो अच्छा जी अपना काम खुद करते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आप अपना काम खुद करते होंगे। बेटा करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या काम करते हैं खुद? चले शाबाश करते हैं। अच्छा अच्छा जी इसको ज़रा इसे भी कलर करें। ये इधर तुम चैट खोलो, इसमें क्या लिखा हुआ है। शाबाश इसमें कलर करें। वेरी गुड अनिका, टाइम हो गया। अच्छा जी यहाँ पर आप ये जो है ना जो तीन फ्लावर्स है ना इसमें घर में वो कलर करेंगे आप लोग। अच्छा ठीक है, अभी क्लास का टाइम ओवर हो गया है, समझ आ गई है ना? तो आप जो है ये घर में करें, ठीक है? ये कंप्लीट करना है, सही? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।